बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने सीरियल ट्रांसमिशन की पहली टाइप एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की डिग्रीज देखी थी, जिसके अंदर हमने उसकी वर्किंग, उसका फॉर्मेट, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखा था। आज के लेक्चर में हम सीरियल ट्रांसमिशन की दूसरी टाइप सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की डिटेल देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, पिछले लेक्चर में हमने एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की डिटेल्स देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि वो सिंक्रोनाइज नहीं होती, क्योंकि उसमें किसी किस्म की कोई क्लॉक यूज नहीं होती। जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो सिंक्रोनाइज वे में होता है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक को यूज किया जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये क्लॉक क्या है। डियर फ्रेंड्स, ये एक सेपरेट क्लॉकिंग सर्किट भी हो सकती है, जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों के साथ अटैच किया जाता है, और जिसके जरिए सेंडर और रिसीवर के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन की जाती है, या फिर इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल एम्बेडेड कर दिया जाता है डेटा के साथ, जिसके जरिए वो सेंडर और रिसीवर अपने अपने एंड पर खुद से क्लॉकिंग करते हैं, यानी खुद से सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन दैट यूजेस अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट, मींस इस तरह की ट्रांसमिशन जिसमें क्लॉक के जरिए जो बिट्स रिसीवर को भेजी जा रही हैं उन्हें कंट्रोल किया जाता है, तो इस तरह की ट्रांसमिशन को नाम दिया जाता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का। दोस्तों, जिस तरह एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हम करेक्टर बाय करेक्टर डाटा को सेंड कर रहे थे, और हर करेक्टर के साथ एक स्टार्ट और एक स्टॉप बिट होती थी जो डाटा के फ्लो को कंट्रोल करती थी, जिसकी वजह से हर करेक्टर के बाद गैप भी होता था, जबकि यहाँ कोई स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं होती, जिसकी वजह से डाटा कंटिन्यूसली यानी बगैर रुके सेंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जब हमें एक वर्ड कैट को सेंड करना था रिसीवर को, तो पहले हमने उसको सेंड किया सी, देन फिर गैप दिया, फिर सेंड किया ए, फिर थोड़ा रुके और फिर सेंड किया टी, जबकि यहाँ एक साथ कंटिन्यूअसली बिना गैप के पूरा वर्ड सेंड किया जाएगा। ये सेंडर है और इसने एक साथ पूरा वर्ड कैट सेंड कर दिया, और हर एक करेक्टर 8 बिट का है, तो रिसीवर के पास एक साथ 24 बिट्स पहुंच जाएंगी, और जब ये सारी बिट्स रिसीवर के पास एक साथ पहुंच जाएंगी तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा इतनी सारी बिट्स में कि कौन सी बिट्स सी की हैं, कौन सी ए की और कौन सी टी की। अब रिसीवर क्या करता है, इन तमाम 8 बिट्स को असेंबल करता है 1-1 बाइट में। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो 8 बिट होंगी उन्हें 1 बाइट करके रख देगा, देन जो नेक्स्ट 8 बिट्स होंगी उन्हें 1 बाइट कर देगा, और इसी तरह से जो अगली 8 बिट्स होंगी उनको 1 बाइट कर देगा। और डियर फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हर एक बाइनरी यूनिक नंबर किसी न किसी करेक्टर से सेव किया जाता है, यानी अगर सी है तो उसका बाइनरी नंबर ये होगा, ए का ये होगा, तो जब वो 1-1 बाइट में इसको सेव कर लेगा, और इस तरह कंप्यूटर अपनी डिक्शनरी में से देख के बता देगा कि ये बाइनरी नंबर सी का है, ये ए का है और ये टी का है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये रीअसेंबल का काम कौन करके देगा और ये सिंक्रोनाइजेशन कौन करेगा, ये करेगी आपकी क्लॉक। तो आप ये देख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स द साइमल्टेनियस फ्लो ऑफ सेवरल बाइट्स ऑफ डेटा एट अ टाइम फॉर ब्लॉक्स और पैकेट्स। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक साथ बहुत सारी बिट्स को रिसीवर को सेंड किया जाता है, और उन तमाम बिट्स को एक ब्लॉक या फिर पैकेट की शक्ल में भेजा जाता है। ये सेंडर है और ये रिसीवर है, और ये तमाम बिट्स जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं इस पूरे वर्ड को एक साथ एक पैकेट की शक्ल में हम रिसीवर को सेंड करेंगे। That's why the continuous flow of bits called packets or blocks. दोस्तों, इसके example फोन जैसी है, जिसमें हम continuously
यानी बिना रुके बात कर रहे होते हैं, मींस डेटा कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। तो दोस्तों आगे देखिए, बिकॉज लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा बीइंग सेंट सिंक्रोनसली एंड कैन नॉट बी इंटरप्टेड, अ क्लॉक इज नेसेसरी टू केयरफुली शेड्यूल अ डेटा। यानी क्योंकि एक साथ बहुत सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है और डेटा में किसी किस्म की कोई इंटरप्शन ना आए, कोई रुकावट नहीं आए, इसीलिए क्लॉक का होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्लॉक किस तरीके से डेटा को सिंक्रोनाइज करती है, आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं। दोस्तों यहाँ हेडर और ट्रेलर बिट्स होती हैं स्टार्ट और एंड में, जिनमें एक ही सिग्नल होता है, इट इज कॉल्ड सिंक सिग्नल। ये सिग्नल क्या करता है, ये रिसीवर को बताता है कि डेटा इज कमिंग, डेटा आने वाला है, और साथ के साथ सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्लॉक को भी सिंक्रोनाइज करता है ताकि दोनों डिवाइसेस के दरमियान ट्रांसमिशन स्टार्ट हो सके। दोस्तों यहाँ एरर चेक बिट्स भी मौजूद होती हैं जो कि एरर को चेक करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की बिट्स एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में तो नहीं थी, तो डियर फ्रेंड्स एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में एरर के चांसेस कम थे क्योंकि वहां 1x1 करेक्टर सेंड हो रहे थे और हर करेक्टर के स्टार्ट और हर करेक्टर की स्टार्ट और स्टॉप बिट मौजूद थी, जबकि यहाँ एक साथ कई कई बिट्स का डाटा सेंड हो रहा है तो यहाँ एरर के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लॉक सिंक्रोनाइज थी, अगर फ्रेंड्स क्लॉक एक सर्किट है उसमें खराबी आ सकती है, अगर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर सकती, अगर आपकी क्लॉक किसी भी वजह से सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर सकी तो आपका डाटा लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस क्लॉक को आप ऐसे समझ लें कि सेंडर और रिसीवर का टाइम फिक्स्ड है, 1 बिट है जो कि 5 सेकंड्स में रिसीवर के पास पहुंचनी है, यानी एक बिट है जो कि 5 सेकंड में 5 सेकंड में रिसीवर के पास पहुंचनी है और रिसीवर के पास भी उसकी टाइमिंग 5 सेकंड ही है। मीन सेंडर और रिसीवर दोनों के पास उसकी टाइमिंग 5 सेकंड्स फिक्स्ड है। अब अगर वो 6 सेकंड्स में पहुंचती है किसी भी वजह से, किसी भी मस्ते की वजह से, तो क्लॉक की सिंक्रोनाइजेशन तो खराब हो गई क्योंकि अगला जो क्लॉक का सेकंड है उसमें तो नेक्स्ट बिट आनी है। तो अगर इस तरह का कोई मसला आ जाता है तो इसमें बिट्स के दरमियान एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन एरर चेकिंग बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसके जरिए इन एरर्स को रिमूव किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स ये थी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, आइए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। दोस्तों लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम एट हाई स्पीड इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो दोस्तों इस ट्रांसमिशन के जरिए आप एक साथ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ के साथ इसकी स्पीड भी फास्ट होती है इसमें, क्योंकि इसमें कोई स्टार्ट और स्टॉप बिट यूज नहीं होती और ना ही बिट्स के दरमियान कोई गैप होता है। लेकिन फास्ट होने की वजह से इसका एक डिसएडवांटेज भी है, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टाइमिंग डिवाइसेस मस्ट बी यूज्ड टू कीप ट्रांसमिशन एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज। यानी इसमें क्लॉक का इस्तेमाल होने की वजह से ये आमतौर पर एक्सपेंसिव होती है क्योंकि क्लॉक के लिए जो सर्किट यूज किया जाता है वो ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स होता है बल्कि उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ आप ये जान गए हैं कि अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है तेजी के साथ तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन बेस्ट है, लेकिन अगर आपको कम तादाद में डेटा को ट्रांसफर करना है लेकिन आप चाहते हैं कि आपका डेटा एक्यूरेटली बिना एरर के ट्रांसफर हो तो उसके लिए एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन बेस्ट है। तो दोस्तों ये थी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे जो है बैंडविड्थ एंड इट्स टाइम्स।